ठीक है, आज जो टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग जनसंख्या अध्याय 11 इकाई 5। ठीक है, इसमें भूगोल पढ़ेंगे हम लोग। आज हमने जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ चुके। ठीक है, आएगा बोली और भाषा में क्या अंतर है, बोली और भाषा में क्या, हिंदी तो भाषा है, छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये अंतर क्या है बताएंगे। हाँ, तो भाषा और बोली में क्या अंतर है बताइए, कुछ सोचिए भाई, चिंतन कीजिए। बोली छत्तीसगढ़ी, भाषा हिंदी, कोई बता पाएगा, किसी में है कोई ताकत? हाँ, कि सब लोग बस सुस्त पड़े हैं रंजित। हाँ सर, बोली वो है जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, जो पब्लिक प्रदेश में बोली जाती है। हाँ, भाषा वाला जो प्रदेश में बोली जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, अभी बिल्कुल बैठिए। संदीप ने अच्छा कोशिश किया, लड़कियां पीछे क्यों हैं? देखिए, क्या भाषा और बोली में अंतर, मुख्य अंतर यह है कि भाषा की अपनी लिपि होती है। आपने जो कल टेस्ट दिलाया था उसमें आप किस लिपि का यूज़ किए थे, देवनागरी लिपि का यूज़ किए थे, मतलब हिंदी भाषा की एक लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, मगर बोली की लिपि नहीं होती, अपनी लिपि नहीं होती बोली की, क्लियर। तो भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती। भाषा में बहुत अधिक साहित्यिक चीज़ें, साहित्यिक ग्रंथ आपको उपलब्ध होंगे भारी मात्रा में, बोली में अपेक्षाकृत कम होगा। बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, भाषा का जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, जैसे संदीप ने बताया है ना। तो यहाँ पर क्लियर, भाषा की लिपि होती है बोली की लिपि नहीं होती, क्लियर। छत्तीसगढ़ी बोली है, इसकी कोई लिपि नहीं है, हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी देवनागरी लिपि में ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ मुख्य अंतर होता है भाषा और लिपि का। तो हम लोग आज ये जो टॉपिक करेंगे भाषाई संगठन, भाषा और बोली को पढ़ेंगे हम लोग, इसमें प्रकारों को देखेंगे। प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में कि भारत में भाषाई संगठन पर निबंध लिखिए, तो आपको बताना पड़ेगा भाषा के बारे में। भाषा मुख्यतः चार प्रकार की हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मातृभाषा या हम बोले बोली भारत, एक और अंतर होगा कि बोली की संख्या अधिक होती है, जैसे कि 1652 बोलियां हैं, मातृभाषाएं हैं, और भाषा कितने हैं भारत में, 33 भाषा। ठीक है, भाषाओं की संख्या 33, बोलियों की संख्या 1652, क्लियर। ये भी एक अंतर है। तो कुल मिला के भाषा और बोली में क्या अंतर है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की एक लिपि है देवनागरी लिपि, बोली की लिपि नहीं होती। भाषा में बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे जाते हैं, बोली में व्यापक रूप से नहीं लिखे जाते। बोली भारत में 1652 बोलियां हैं और भाषाएं हैं 33, क्लियर। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित। समझ में आया, पूछ सकता हूँ, पूछू? चलिए, भाषा और बोली में क्या अंतर है बताइए, लड़कियां बताओ, बताइए। भाषा है हिंदी, लिपि है जो मैंने लिखा है, लिखने वाला काम है, एक लिपि है देवनागरी लिपि। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ देवनागरी लिपि, मतलब हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। भाषा वह होता है जिसकी लिपि होती है, ठीक है, बंगाली भाषा, तेलुगु, तमिल सब भाषा है, उनकी अपनी लिपि है, समझ में आ रहा है। उर्दू भाषा है, उसकी भी लिपि है अलग, हमने तो अभी हिंदी में लिखा, अगर तेलुगु में लिखूं तो समझ में आएगा नहीं, उसकी भी अलग भाषा लिपि है। तमिल की भी लिपि, कन्नड़ की लिपि, मलयालम की लिपि, उड़िया की लिपि, बंगाली की लिपि, उर्दू की लिपि, ये क्या सब भाषा है मगर लिपि है उसका एक। छत्तीसगढ़ी बोली है, उसकी लिपि नहीं है, वो किसका कॉपी करता है, हिंदी का ही कॉपी कर लेगा, देवनागरी लिपि का ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेगा, उसके बाद देखते हैं कि भाषाएं कितनी प्रकार की हैं।
चार प्रकार की भाषा है, ठीक है। पहला है आर्य भाषा, दूसरा है द्रविड़ भाषा, तीसरा है आस्ट्रिक, चौथा मंगोल भाषा। चार प्रकार की भाषाएं हैं, इसमें हिंदी भी आएगा इसके अंतर्गत। हिंदी तो एक छोटा रूप है, हिंदी एक व्यापक रूप की बात करें तो किसमें आएगा, आर्य भाषा में आएगा। क्लियर। आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, आस्ट्रिक, मंगोल, ठीक है, बन जाएगा। याद करिए यहीं पर, आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, आस्ट्रिक, मंगोल। इसको आप लोगों को ट्रिक दे सकते हैं, आदम याद कर सकते हो, आदम, आ आ दम, आ आ दम, आ मतलब आस्ट्रिक, आ मतलब आर्यन। क्लियर। आर्य, आ आ, दो बार आ है, आ मतलब आर्यन, मतलब आर्य भाषा, आ मतलब होता है आस्ट्रिक, दम, द से द्रविड़, माँ से मंगोल, द्रविड़ बोलो, आस्ट्रिक बोलो, मंगोल बोलो, ठीक है। चलो बोलो, जोर से बोलो, आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक, मंगोल। चार भाषा है, ठीक है, हमको जानना जरूरी है। भूगोल के विद्यार्थी हैं, भाषा कितनी होती है, हम लोग जो बोल रहे हैं ये भाषा, हिंदी भाषा। वैसी भारत में 33 भाषा है, मंगोल ध्यान से देखिएगा, वैसी लिखिएगा। आस्ट्रिक में आप लोग फिर ट्रिक नहीं करोगे, मंगोल में मगोल कर दोगे, मंगोल नहीं करोगे, है ना। द्रविड़ में ये वाला द कर दोगे, द्रविड़। यहाँ पर शब्दों को ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आर्य भाषा जो है वह भारतीय यूरोपी परिवार के अंतर्गत आता है। भारतीय यूरोपी परिवार के अंतर्गत, पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में 73% आर्य भाषा बोली जाती है। इसमें हिंदी भी आएगा, बंगाली भी आएगा, बहुत सारे आएंगे इसमें। तो यह भारतीय यूरोपी में 73% है आर्य भाषा। सेकेंड नंबर आता द्रविड़ भाषा, जो 20% बोला जाता है, 100 में से 20 लोग द्रविड़ भाषा मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलते हैं। आस्ट्रिक भाषा में 1.40 है, आस्ट्रिक मतलब 100 में से तकरीबन 1 या 2 लोग बोलते हैं आस्ट्रिक भाषा। और चौथा है मंगोल भाषा, तिब्बती चीनी परिवार में आता है ये, जो मंगोलिया क्षेत्र है मतलब वहाँ पर 0.90। तो ये परसेंट को बता रहा है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा आर्य भाषाएं बोली जाती है। प्रश्न यही बनता है, आप रेलवे का एग्ज़ाम दिलाओगे, कोई भी एग्ज़ाम दिलाओगे तो हिंदी 20 नंबर का पूछेगा। कोई भी एग्ज़ाम, हिंदी 20 नंबर का, इंग्लिश 9 नंबर का, जीके इतना, रीजनिंग इतना, इतिहास इतना, भूगोल इतना, तो हिंदी ही पूछता है। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर आप लोगों को चार ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें चार ऑप्शन दिया है। यहाँ पर चार ऑप्शन में कौन सबसे ज़्यादा है, आर्य भाषा है। आर्य भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी किसके अंतर्गत आएगा, तो आर्य भाषा के अंतर्गत आए। अब हम इसको आर्य भाषा को वृहद रूप से, अब और उसको हम डिफाइन रूप से समझते हैं। आर्य भाषाएं के दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं, ठीक है। आर्य भाषा, हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, देखो यही फेल हो जा रहे हो, दो ऑप्शन भी नहीं बता पा रहे हो। ये स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं पता है, क्लास 1 में या UKG में पढ़ता होगा बच्चा, वो भी लिखता होगा वर्णमाला कितने हैं हिंदी में, उसका हम बात नहीं करते। हम भूगोल में ही आ जाते हैं, भूगोल में ही तो कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए भाई भूगोल का, क्योंकि मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आप लोगों का कोई सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। पढ़ने वाले बच्चे बनिए थोड़ा सा, 4 महीना है ना, 8 महीना तो घूमना फिरना हो गया, 4 महीना बचा है, अपने लिए पढ़िए, मेरे लिए मत पढ़िए। आप लोग सब बैठे हुए हैं, पैर पर खड़ा होना मतलब क्या है, आने वाला अपना फ्यूचर अपना स्ट्रांग करना, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत। कोई आपके पास आएगा नहीं जॉब, पुलिस का जॉब ले लीजिए, पुलिस बनिए, कोई आएगा क्या इनाम के रूप में देगा क्या, नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा,
और ये बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, आर्य भाषा दो प्रकार के हैं, दर्दी भाषा, बेदर्दी मत लिख लीजिएगा, बेदर्दी मत लिखना भाई, दर्दी है, दर्दी भाषा, भारतीय आर्य भाषा, दो प्रकार के हैं आर्य भाषा, क्लियर। पहले तो हम लोग आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, आस्ट्रिक भाषा और चौथा कौन सा भाषा है, मंगोल भाषा पढ़ चुके। अब चारों का डिफाइन पढ़ना है, अंदर में क्या है। तो यहाँ पर पहला आएगा आर्य भाषा को मैंने लिया नंबर वन में। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, दो भाषा है, दर्दी भाषा और भारतीय आर्य भाषा। दर्दी भाषा के अंतर्गत कश्मीरी, जो कश्मीर जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी भाषा बोली जाती है वो दर्दी भाषा है, और जो है ना दर्दी है, सीना है, कोहिस्तानी है, ये सब जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ। कश्मीरी, कोहिस्तानी, दर्दी और है सीना, ये है दर्दी भाषा। प्रश्न पूछेगा कोई, आप एग्जाम दिलाओगे फिर रेलवे रेलवे का, दर्दी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आता है, आर्य भाषा। कश्मीरी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आएगा, तो आर्य भाषा के अंतर्गत आएगा ना। आप दर्दी भाषा देखते रहोगे ऑप्शन में, सर तो दर्दी पढ़ा है, मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन में, मगर मूलतः क्या है, आर्य भाषा है, क्लियर। आर्य भाषा है कश्मीरी भाषा, मतलब आर्य भाषा के दो पार्ट हैं, दर्दी भाषा और भारतीय आर्य भाषा। अब भारतीय आर्य भाषा याद किए, आर्य भाषा दो प्रकार के, दर्दी को भूल जाइए, हमको याद करना है छह प्रकार के। छह प्रकार में पहला है उत्तरी आर्य भाषा, मैंने यहाँ भारत का नक्शा बनाया, उत्तर की ओर बोली जाती है उत्तरी आर्य भाषा। दूसरा है उत्तरी पश्चिमी आर्य भाषा, उत्तर पश्चिम, इसको मैं उत्तर बोलूं, इसको पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कौन सी भाषा बोली जाती है। तीसरा है दक्षिणी आर्य भाषा, चौथा है पूर्वी आर्य भाषा, दिशा के हिसाब से इनको डिसाइड कर दिया है, पूर्वी मध्य आर्य भाषा और मध्य आर्य भाषा, एक बार में याद नहीं होगा इसको, इसको थोड़ा डायग्राम में समझिएगा। तो पहला डायग्राम में समझने के लिए हमको देखना है कि उत्तरी आर्य भाषा भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो बोली जाती है, नेपाली, नेपाल उत्तर की ओर है, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी जो क्षेत्र है वो आते हैं उत्तरी आर्य भाषा में, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, नेपाली भाषा बोली जाती है, क्लियर। तो उत्तरी आर्य भाषा के अंतर्गत नेपाली, मध्य और आता है पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र आता है, क्लियर, समझ में आया। आर्य भाषा में पहला आता है उत्तरी आर्य भाषा। अब उत्तर की ओर बात कर लिए, अब उत्तर के बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम दिशा हम लोग जानते हो ना, ये उत्तर है, दक्षिण है, और ये क्या आएगा, पूरब आएगा, पूरब लिख देते हैं पश्चिम, ये क्या बचा, पूर्व दिशा। तो ये मैंने इसके अंतर्गत दिया, तो ये है ऊपर का उत्तरी आर्य भाषा। फिर आता है उत्तर पश्चिम, इसके बीच को क्या बोलेंगे, ये वाला, ये जो है, चलिए इसको मैं दिशाओं को, मैं प्रैक्टिकल तो पढ़े होंगे आप लोग, ग्यारहवीं में नहीं पढ़े लिखे, तो कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दिशा हो गई। इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है। दिशा को तो मत पढ़ाइए, ये तो आप सब जानते होंगे दिशा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में आएगा, उत्तर पश्चिम भाषा में आएगा कौन सा, लहंदा कच्छी सिंधी, लहंदा कच्छी सिंधी, ठीक है। और तीसरा में आएगा, तीसरा में आएगा दक्षिणी आर्य भाषा में मराठी कोंकणी। मराठी को किस राज्य में बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी, कोंकण तट, गोवा में कोंकणी, ठीक है, गोवा जाओगे कोंकणी बोला जाता हूँ, ठीक है, मालाबार तट जो हो गया। चलिए
लहंदा कच्छी सिंधी, तो यहाँ पर लहंदा जो है आपको गुजरात और महाराष्ट्र के जो आसपास का जो बॉर्डर वहाँ पर बुरा कच्छी, ठीक है। चौथा देखिएगा पूर्वी आर्य भाषा, पूर्वी, तो यहाँ पर पहला आया उत्तरी आर्य भाषा, दूसरा आया उत्तर पश्चिम, दक्षिणी आर्य भाषा, अब आ गया पूर्वी आर्य भाषा। क्लियर हो गया? उत्तरी आर्य भाषा, उत्तर पश्चिम आर्य भाषा, दक्षिण आर्य भाषा, पूर्व आर्य भाषा, ऐसा चल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? ऐसा चल रहे हैं, ठीक है। उत्तरी आर्य भाषा, उत्तर पश्चिम आर्य भाषा, दक्षिणी आर्य भाषा, पूर्वी आर्य भाषा, अब बचा क्या? बचा है पूर्वी मध्य आर्य भाषा। ये पूर्वी मध्य वाला भाग है, पूर्वी मध्य आर्य भाषा में आएगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा में आएगा? आर्य भाषा में। क्लियर? पहली बार आर्य भाषा में। आर्य भाषा के अंतर्गत और किस में आएगा? तो पूर्वी मध्य आर्य भाषा। मुझे अच्छे से याद है, ये एग्जाम आया था पीएससी का, पीएससी का एग्जाम में पूछा था कि छत्तीसगढ़ी कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा, उसमें आर्य भाषा नहीं दिया था, इसी को दिया था पूर्वी मध्य आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, दक्षिणी आर्य भाषा, बिहार जो भी है ये आया था, है ना। तो पूर्वी मध्य आर्य भाषा ये आंसर आएगा अवध बघेलखंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर छठवा और अंतिम आएगा मध्य आर्य भाषा हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी। पंजाब में किस भाषा को बोला जाता है? पंजाबी। राजस्थान में, ठीक है, गुजराती कहाँ बोली जाती है? क्लियर हो गया भाषा, ठीक है। तो ये छह प्रकार के उपभाग हैं आर्य भाषा के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा में। समझ में आया? तो यहाँ पर आता है, बोलिए, पहला उत्तर आर्य भाषा, उत्तर पश्चिम आर्य भाषा, बोलो, फिर पूर्व मध्य आर्य भाषा, फिर आएगा मध्य आर्य भाषा। इस प्रकार से छह भाषाएं हैं आर्य भाषा के अंतर्गत, भारतीय भाषा के अंतर्गत। समझ में आया? क्लिष्ट होगा मगर इसको एक बार समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, मगर ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं द्रविड़ भाषा में, बढ़े। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं। बघेलखंड छत्तीसगढ़ी जो बोली है ना, वो पूर्वी मध्य आर्य भाषा में आता है। अब आता है द्रविड़ भाषा में। द्रविड़ भाषा को मैंने यहाँ पर जो भारत का नक्शा है उसका ये जो जल विभाजक है, ये जो ताप्ती नर्मदा नदी है ना, उसके नीचे वाला जो भाग है उसका मैंने बताया, तो इसको उत्तरी द्रविड़ भाषा, मध्य द्रविड़ भाषा, दक्षिणी द्रविड़ भाषा बन जाएगा, उत्तर मध्य दक्षिण। तो उत्तरी द्रविड़ भाषा में क्या आएगा? कुरुक। कुरुक कौन बोलता है भाई? वो रियल में उत्तरी द्रविड़ भाषा है, कोई जनजाति भाषा ये कुरुक। क्लियर हुआ? मालती ये जो है उत्तरी द्रविड़ भाषा है। मध्य द्रविड़ भाषा में तेलुगु गोड़ी आती है भाषा, मगर बोली की बात करें तो पारजी और खोंड, खोंड जनजाति बोली जाती है, खोंड जनजाति के द्वारा खोंड बोली जाती है, ठीक है। थोड़ा कठिन जा रहा है, ये कठिन लग रहा है, घर में पढ़िएगा एक बार अच्छे से, है ना, इसको समझ के पढ़िए। रटे होगे तो कोई मतलब नहीं, रटने से याद नहीं होगा हमको। द्रविड़ भाषा में हम देखिएगा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा उत्तर मध्य दक्षिण, उत्तरी द्रविड़ भाषा, मध्य द्रविड़ भाषा, दक्षिण द्रविड़ भाषा। उत्तरी में क्या आएगा? जो जसपुर का क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, कुरुक मालती। मध्य में क्या आएगा? मध्य में आएगा आपका जो मध्य है उसमें आप वहाँ पर खोंड आएगा, और क्या आएगा? तेलुगु आएगा, गोड़ी आएगा, और पारजी आएगा, खोंड आएगा। तो ये है मध्य। दक्षिण द्रविड़ भाषा में क्या क्या आएगा? तो तमिल, मलयालम, कन्नड़। बोली में क्या आएगा? तुलु, कुर्गी, मेरुकला बोली,
इनमें से कौन सी बोली नहीं है? पूछेगा बोली कितनी है 1652, उसमें बोल देगा कि तुलु बोली नहीं है, कथन सत्य है कि असत्य, तो तुलु बोली है। और द्रविड़, दक्षिण द्रविड़ भाषा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा तमिल भाषा बोली जाती है, भाषा का यूज़ किया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो दक्षिण द्रविड़ भाषा में तमिल की संख्या ज़्यादा है, तो ये द्रविड़ भाषा हो गया। तीसरा देखते हैं आस्ट्रिक भाषा। आस्ट्रिक भाषा में क्या आता है? संथाली, खासी, निकोबारी, समझ में आया? ये है संथाली, खासी, निकोबारी, ये इम्पोर्टेंट है। आस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? संथाली, खासी और निकोबारी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर निकोबारी भाषा बोली जाती है। संथाली जो है, संथाल जो है झारखंड में जनजाति के द्वारा बोली जाती है। खासी जो मेघालय का जो क्षेत्र है, खासी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर खासी जनजाति पाई जाती है, तो वहाँ पर खासी भाषा बोली जाती है। तो ये आस्ट्रिक भाषा है। चौथा है मंगोल या चीनी तिब्बती भाषाएं। तो इसमें हम तीन भागों में बांट देते हैं, तिब्बती हिमालयी भाषा, उत्तरी असमी भाषा और असमी बर्मी भाषा। तो इसमें आता है तिब्बती हिमालयी भाषा के अंतर्गत हिमालयी उपवर्ग भाषा है, चंबा, लाहुली, किन, लेपचा। लेपचा बरवा जो है ना, नेपाल का जो क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र, वहाँ पर भुटिया उपवर्ग भाषा में तिब्बती, बाल्टी, लद्दाखी, लाडली, शेरपा आता है। ये भी नेपाली वाला जो है, भुटिया भूटान के आसपास का है। उत्तरी असमी भाषा में, इसको उत्तरी असमी भाषा को अरुणाचल भाषा बोला जाता है। अरुणाचल भाषा मिसिंग, मिसमी, मिरी, अबोर, उफला और अका, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है मिरी भाषा बोला जाता है। असमी बर्मी भाषा के अंतर्गत, ये जब पूरा का क्षेत्र असम और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है, बोडो, नागा, काचिन, कुकीचिन, बर्मी, मणिपुरी, सबसे ज़्यादा मणिपुरी बोला जाता है इसमें। तो ये भाषा के प्रकार हैं, भाषा को आपको एक बार सरसरी नज़र से देखना है। प्रश्न पूछ देगा आर्य भाषा पर लेख लिखिए, तो आर्य भाषा के बारे में बताना है आपको। तो ये भाषा है, इतनी भाषा को हमको जानना होगा, क्योंकि भूगोल का एक टॉपिक है जनसंख्या, घनत्व और भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन भी पढ़ना है। धर्म के आधार पर पॉपुलेशन किस धर्म का सबसे अधिक है, किसका अधिक होगा? हिंदुओं का, ठीक है। तो यहाँ पर भाषाई संगठन में हम देख रहे हैं कि भाषाई संगठन में भाषा को हमने पढ़ा चार प्रकार की भाषा, और उन चारों प्रकार की भाषा के अंतर्गत भी बहुत सारे उपभाग हैं जिसको हमको पढ़ना है। ये थोड़ा कठिन लगेगा, घर में जाके पढ़ ही पढ़िएगा, कॉलेज में अगर भूगोल लोगे तो इसका अलग से ये यूनिट है, इसके अंदर भी पढ़ना है, और बहुत सारे होंगे अभी आपके पास, बुक में भी दिया होगा कि मालाबार में कौन सी भाषा बोली जाती है, मालाबार में कौन सी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है, सिंपल उड़िया उड़ीसा, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का नहीं बता पाओगे, आंध्री भाषा, यस सर सही बोल रहे हैं, जब तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं तो आंध्र प्रदेश में आंध्री भाषा क्यों नहीं सर, हैं क्या होगा, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, चुप हो गया है। गुजरात में कौन सी बोली जाती है, पंजाब में, बंगाल में, सब जान गए, मगर आंध्र प्रदेश का क्यों भूल रहे हो, तेलुगु, तेलुगु बोली जाती है भाई आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, याद हो जाएगा बिल्कुल, ऐसी जीनियस हो आप लोग, ठीक है। तो ये हम लोग को जानना है, और ये सब द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आएगा, है ना। और इसमें आप मालाबार में मालाबारी, कोंकण तट में कोंकणी, कितना सरल है, मतलब इस जो प्रदेश का है नाम उसके आधार पर हो गया। गोवा में कहाँ कौन सी बोली जाती है,
गोभी, हाँ ऐसा होगा क्या? नहीं, वहाँ पर भाई कोंकण तट है, कोंकणी भाषा भी बोली जाती है और वहाँ पर मराठी भाषा भी बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरली, हाँ बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना है कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यही जीके का प्रश्न है, ये जीके का प्रश्न ही है। आपको पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, मणिपुर में नाम ही है भाई, मणिपुर में क्या है? यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ, क्या है ये? मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी, नेपाल में नेपाली, है ना? तो ये आपको जानना है हर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? हाँ यहाँ पर भी होगा, नागालैंड में नागा, नागा भाषा बोली जाती है। यहीं से जीके बनता है। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल भाषा है ना। तो इस प्रकार से आज भाषाई संगठन का जो टॉपिक है इसको घर में जाके पढ़िएगा अच्छे से और हमको एक बार इसको रिवाइज भी करना है, देखिएगा जरूर। ठीक है, घर में जाके पढ़िएगा, इसको एक कॉपी में लिखिएगा, खासकर आर्य भाषा को अच्छे से पढ़िएगा, है ना? ठीक है, इसको पॉइंट को बस याद कर लीजिएगा। ये कठिन लग रहा है मत पढ़िएगा, मगर जान लीजिएगा किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है।